स्टार्ट हो गया ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कर्ण ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हो बच्चों आप लोग? बढ़िया बच्चों, हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया इस चैनल पे कि अभी आप देख रहे हो कि आपके क्लासेस क्लोज हैं, है ना। तो क्लासेस बच्चों आपकी क्लोज ज़रूर है, बट आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, आपकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चलती रहे, इसके लिए चलो बच्चों कोई नहीं, है ना, क्लासरूम में लाइव इंट्रैक्शन के साथ ना हो, ऑनलाइन मोड में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, वेरी नाइस बच्चों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया है ना, वहाँ से हाना बता दिया करो भाई, ठीक है, मैं सुन लेता हूँ सारी बात। जी सर, ओके। तो आज जो अपना टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी किरचॉफ्स लॉ, राइट। तो कॉपी खोलना बच्चों एंड टॉपिक बनाना, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, फाइन। तो बच्चों किरचॉफ्स लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कैसे पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कितना वेटेज होता है, ठीक है ना। ग्रेजुअली जैसे जैसे इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे तो वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अभी बच्चों अगर मैं आपको स्टार्टिंग बताऊँ सिंपल तरीके से, तो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों दो ही तरह का लॉ होता है, ठीक है। एक होता है अपना ओम्स लॉ, जो कि आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में भी आपने उसको पढ़ा, ठीक है ना। दूसरा होता है बच्चों आपका किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो जो अपना ओम्स लॉ होता है वो आपने स्टडी किया होगा कि वो काफ़ी सिंपल टाइप के सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। पढ़ा था ना आपने, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो डेट वॉज ओम्स लॉ, ठीक है। आज जो अपना टॉपिक है किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो बच्चों जो अपना किरचॉफ लॉ पॉइंट है ना, मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ लॉ जो अपना टॉपिक है ये सिंपल सर्किट के लिए नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो बच्चों कनेक्ट है ना, ठीक है, क्या होता है ओम्स लॉ, सॉरी किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ऑलराइट, ठीक है, देखिए। तो बच्चों अगर मैं किरचॉफ लॉ पे बात करूं, तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि किरचॉफ्स लॉ इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स सर्किट, ठीक है, सिंपल सर्किट के लिए होगा ओम्स लॉ, ऑलराइट। तो किरचॉफ लॉ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में एक लॉ दिया, तो उनके ऑनर में इस लॉ का नाम रख दिया गया किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ जो पर्सन था उसने इलेक्ट्रिसिटी में दो तरह का बच्चों लॉ दिया था, ठीक है, दो लॉ दिया था, ठीक है, और उसी को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में किरचॉफ्स लॉ कहते हैं, ठीक है। तो अब फ्लो आ चुका है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोग को, मैं ये कह रहा था कि किरचॉफ जो पर्सन था उसने इलेक्ट्रिसिटी में दो लॉ दिया था, ठीक है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग किरचॉफ लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जो अपना पहला लॉ था किरचॉफ ने, जो अपना पहला नियम दिया, वो नियम था आपका करंट लॉ, ठीक है, करंट लॉ। और इस लॉ की खास बात ये थी बच्चों, खास बात कह लो या फिर इसका रेस्ट्रिक्शन कह लो, कंडीशन कह लो, वट एवर यू कैन कॉल, राइट। तो करंट लॉ जो था बच्चों, इसको हम लोग जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल फॉर अ जंक्शन, राइट। जंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपने सुना होगा समस्तीपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, न्यू दिल्ली जंक्शन, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा यहाँ भी होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, किरचॉफ नाम के पर्सन ने इलेक्ट्रिसिटी में दो लॉ दिया, एंड फर्स्ट लॉ इज पॉपुलरली नोन एज करेंट लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन लॉ, राइट। और जो बच्चा अपना सेकेंड लॉ था ना, जो अपना सेकेंड लॉ था किरचॉफ ने इलेक्ट्रिसिटी में जो सेकेंड लॉ दिया, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वोल्टेज लॉ के नाम से, ठीक है, वोल्टेज लॉ, ठीक है, वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, वंस अगेन एक कंडीशनल लॉ है, जो कुछ कंडीशन पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे बच्चों आप याद करो, मैंने आप लोग को गॉस थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है, तो आपने गॉस थ्योरम बच्चों पढ़ा था ना, गॉस थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज डायग्राम, फॉर अ क्लोज लूप यू कैन से, राइट। तो बच्चों कुछ ऐसा ही सीन यहाँ भी है कि किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ होता है ना, वो एक क्लोज सर्किट के लिए वैलिड होता है, और यू कैन से कि क्लोज सर्किट के लिए ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो वोल्टेज लॉ, बिकॉज इसको हम एक क्लोज लूप के लिए ही अप्लाई करते हैं, है ना, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, आप बोल दो, और लूप लॉ, ठीक है, लूप लॉ। तो बच्चों किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी में दो लॉ दिया, पहला था अपना करंट लॉ जिसको हम धारा का नियम कहेंगे, ठीक है, या फिर संधि का नियम कह देंगे, जंक्शन लॉ, ठीक है, दूसरा था आपका वोल्टेज लॉ जिसको हम विभवांतर का नियम कहेंगे, ठीक है, या फिर लूप लॉ, बंद पास का नियम भी बच्चों हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों नियमों को, इन दोनों लॉज को बच्चों हम साथ में पॉपुलरली कहते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो बच्चों किरचॉफ लॉ को समझने के लिए बारी बारी से हम लोग इन दोनों नियमों को जानेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे करंट लॉ क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है ना। फिर हम जानेंगे बच्चों कि किस तरह के प्रिंसिपल पे जो ये अपना लॉ है वो बेस्ड होता है, किस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ से बच्चों लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अपना ये वाला पार्ट बच्चों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हम जानेंगे कि वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है, वंस अगेन हम देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, कनेक्ट रहना, एंड जो भी बातें मैं बताऊंगा ध्यान से समझना, कोई डाउट वाउट आए तो कमेंट में बताना आप लोग कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, या जो भी आपकी डिमांड रिक्वायरमेंट हो आप बता सकते हो, ठीक है, कोशिश करेंगे बच्चों उस रिक्वायरमेंट पे काम हो एंड हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, चलिए ओके। तो बच्चों पहला नियम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला नियम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ और यू कैन से जंक्शन लॉ, ठीक है, मिटाते हैं इसको, देखो। तो बच्चों आप लोग टॉपिक देना, ठीक है, टॉपिक दीजिएगा आप लोग, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग टॉपिक देना के सी ऐसे दे दो, ठीक है, किरचॉफ, मेरी राइटिंग बच्चों बहुत अच्छी है, आप लोग को पता है ये बात, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट KCL भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरा नाम क्या बताया मैंने इसका, किरचॉफ जंक्शन रूल। तो बच्चों क्या होता है देखते हैं, ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है, किरचॉफ नाम के पर्सन ने करंट लॉ के अंतर्गत क्या बातें कही, ठीक है, हम वो जानते हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो बच्चों किरचॉफ जो साइंटिस्ट था उसने अपने करंट रूल के अंदर बच्चों कहा कि टोटल सम ऑफ ऑल करंट, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ठीक है, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, राइट। आई मीन टू से अगर मैं इस लॉ को थोड़ा बेटर वे में देखूं तो आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, है ना, देखिए ध्यान देना, मान लिया मैंने बच्चों अपना एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, ऑल राइट, और इस पॉइंट पे कुछ करंट्स हैं, कुछ वायर्स हैं जो आके इससे मीट कर रही है ना, मैं मान लेता हूँ कि एक वायर है जो इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, एक वायर, दूसरा वायर ये रहा, ठीक है, थर्ड वायर ये रहा, फोर्थ वायर मैं ऐसे ले लेता हूँ, एंड फिफ्थ वायर ऐसे, मैंने बच्चों मैंने पांच ले लिया यहाँ पे, मैं कितने सारे भी ले सकता हूँ वो आर्बिट्रेरी है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हो, ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों ये सब, ये सारे बहुत सारे वायर हैं और आप देख रहे हो कि ये इस पॉइंट पे आकर के ज्वाइन कर रहा है, बस मैंने इस पॉइंट पे आके ये मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पे बहुत सारे वायर आके बच्चों मीट करते हैं ना, उस पॉइंट या उस लोकेशन को आप लोग बच्चों बोलते हो जंक्शन, ठीक है, उसको आप बोलते हो जंक्शन, हिंदी में बच्चों बोले तो संधि कहते हैं, संधि, जहाँ पे सारी चीज़ आके मिल जाती है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों कि जब दो देश लड़ते थे, है ना, और उनके बीच की जो टेंशंस होती थी वो सॉर्ट आउट हो जाती थी, तो वो लोग आपस में संधि कर लेते थे, ठीक है, कुछ वैसा ही सीन है यहाँ पे, संधि डैट मीन्स क्या, सारी चीज़ें आपस में आके मिल जाएंगी, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये पांच वायर है और पांच के पांच वायर जो है ना इस पॉइंट पे आकर के मीट कर गया, ठीक है, ओके। अब मैं बोलूँगा कि यार इन पांचों वायर में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, मैंने जैसे सपोज कर लिया कि यार मैंने मान लिया कि ये जो है ना एक करंट है जिसका नाम मैं दे देता हूँ, लेट सपोज I1, ठीक है, वो टुवार्ड्स दी जंक्शन जा रहा है बच्चों, एंड नेम ऑफ द करंट इज I1, सपोज दैट, मान लिया बच्चों, मानने में क्या है, ठीक है, ओके। फिर कुछ ना कुछ करंट इस वाले वायर में भी फ्लो हो रहा होगा, टुवार्ड्स द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन, दो ही ऑप्शन है अपने पास, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। लेट सपोज वंस अगेन हियर टुवार्ड्स द जंक्शन सेकेंड करंट अज्यूम I2, ओके,
फाइन। इसी प्रकार बच्चों कुछ ना कुछ करंट इस वाले वायर में भी फ्लो हो रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ अभी फ्रॉम द जंक्शन है ना, नेम मैंने इसका I3 दिया, ऐसे मैंने दिखा दिया यहाँ पे I4 ठीक है, एंड लेट सपोज दिस इज I5 ठीक है, I5 फाइन दिख रहा होगा बच्चों आपको ठीक है, कोई डाउट हो तो ठीक है देखना। तो बच्चों ये पांच वायर है ठीक है, और ये पांचों के पांचों वायर इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, पांचों में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह के सर्किट के लिए इस तरह के कंडीशन पे किरचॉफ ने क्या रूल दिया बच्चों, ठीक है वही जानना है बच्चों। किरचॉफ ने कहा कि इस जंक्शन से कनेक्टेड, इस जंक्शन पे आने वाली जो करंट है ठीक है, इस जंक्शन से रिलेटेड जितनी भी करंट है, आप देख रहे हो कि इस जंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे पांच बच्चों पांच करंट है ठीक है, I1, I2, I3, I4, I5 ठीक है। तो किरचॉफ ने कहा कि जितनी भी करंट्स हैं जो इस जंक्शन से रिलेटेड है, उन सारे करंट का जो सम होता है ना, जो योगफल होता है, वो योगफल बच्चों जीरो होता है। आई मीन टू से टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट दिस जंक्शन इज जीरो, राइट। सो दिस इज नोन एज किरचॉफ करंट लॉ, और यू कैन से किरचॉफ जंक्शन लॉ ठीक है। इसी को हम लोग धारा का नियम या संधि का नियम बच्चों कह सकते हैं ठीक है। तो ये बच्चों आपका किरचॉफ करंट लॉ, ये तो होगी बच्चों डेफिनेशन की बात ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट जाने, थोड़ा सा और एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया लें अपने किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ करंट लॉ पे, तो हम इस टॉपिक को कैसे और रिजॉल्व करके जान सकते हैं ठीक है, जान सकते हैं। तो बच्चों जैसे आप को अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो ठीक है ना, कि जैसे जंक्शन आप बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर सुनते होंगे कि समस्तीपुर जंक्शन, पटना जंक्शन है ना। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे कि जैसे यार मान लेते हैं कि ये अपना कोई जंक्शन है ना, जंक्शन है, वैसे आपको पता होगा जंक्शन के बारे में, जंक्शन कैसे कहते हैं, जहाँ से क्या बताऊँ, जहाँ से दो लाइन फूटती है, जैसे दर्शन सराय एक जंक्शन नहीं है आपको पता है ठीक है, दर्शन सराय बस एक सिंपल सा स्टेशन है, बिकॉज आपको पता है उधर जाओगे तो बरौनी चले जाओगे है ना, इधर आओगे तो समस्तीपुर चले जाओगे ठीक है। लेकिन समस्तीपुर में क्या है, इधर से निकलोगे इधर फिर खगड़िया चले जाओगे, यहाँ बरौनी चले जाओगे, इधर चलोगे दरभंगा चले जाओगे, मुजफ्फरपुर चले जाओगे है ना। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा लाइनें फूटती है उसको हम लोग रेलवे में जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पर भी ये अपना जो पॉइंट है जहाँ पे टू और मोर देन टू वायर मीट्स इज नोन एज जंक्शन है ना, आप ऐसा बोल सकते हो ठीक है। तो मैं आपको बच्चों एग्जाम्पल दे रहा था कि एग्जाम्पल के बेस पे इसको हम कैसे, इस टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है, वो बता रहा था मैं आपको। तो बच्चों मैंने मान लिया कि ये अपना एक स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है ठीक है, रेलवे जंक्शन है ठीक है, ओके। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई ट्रेन इस जंक्शन पे आती है ना, अगर कोई ट्रेन इस जंक्शन पे आती है ना, लेट सपोज अपना नियरेस्ट स्टेशन है समस्तीपुर, मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ ठीक है। तो अगर कोई ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पे बच्चों आके रुकी, तो जितना उसका स्टॉपेज है उतनी देर वो वहाँ पे रुकेगी है ना, या फिर जैसे अपने आकर रेलवे सिस्टम है वो ज़्यादा भी रुक सकती है ठीक है। बट ऐसा है क्या बच्चों कि जैसे कोई ट्रेन अगर आके रुकी तो वो अनंत काल के लिए यहीं पे रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा ठीक है। वो कुछ सर्टेन कुछ पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद वो यहाँ से क्या हो जाएगी, चली भी जाएगी ठीक है, चली भी जाएगी। हो सकता है कि कोई किसी का यहाँ पे डेस्टिनेशन ही हो, समस्तीपुर तक का ही डेस्टिनेशन हो, तो ऑफकोर्स वो आएगी बट क्या अगले दिन तो फिर उसको जाना ही है ना, अगले दिन फिर उसको जाना है। इट मीन्स बच्चों ये हो गया कि किसी रेलवे जंक्शन पे जो ट्रेन आती है ना, वो परमानेंटली वहाँ पर रुकती नहीं है, वो वहाँ से चली भी जाती है ठीक है। डैट मीन्स जंक्शन का अपना कुछ नहीं होता है, जो इसके पास आया है वो चला जाएगा। ये तो बात हो गई ट्रेन की। अगर मैं किसी पर्सन की बात कर लूँ, अपनी बात कर लूँ, आपकी बात कर लूँ, अगर हम लोग स्टेशन पे जाते हैं तो काम से जाते हैं, हमें कहीं ट्रेवल करना होता है, हम जाते हैं ट्रेन पकड़ते हैं अपनी यात्रा कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्टेशन पे जाके अपना घर बना लेते हैं, हैं वहीं पे जिंदगी भी बिताते हैं, वहीं पे मस्ती करते हैं, जानते हो आप लोग ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों है ना। जो आता है स्टेशन से वो चला भी जाता है, डैट मीन्स इसका अपना कुछ नहीं होता है। टोटल सम ऑफ वट एवर, टोटल सम ऑफ समथिंग, जो भी कुछ इससे रिलेटेड होता है इज जीरो। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ किरचॉफ करंट लॉ, वही मैंने यहाँ पे बताया बच्चों कि इस जंक्शन का अपना कुछ नहीं होता है, जो इसके पास आएगा वो इससे चला जाएगा ठीक है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उनका जो सम होगा वो जीरो होगा। बच्चों मैंने ये बताने का आपको प्रयास किया है ठीक है, देख ले लेंथ कितनी है ना, ओके 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 फाइन। तो हाँ, तो मैंने क्या बताया था, मैंने इसका डेफिनेशन बता दिया, चलो इसका एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एक और अलग तरीके से इसको हम
जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या किरचॉफ के करंट लॉ में क्या क्या बातें बताई गई, मैंने अभी तक आपको बताया कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, ठीक है। टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पे अब आप एक चीज और देखना, ठीक है, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ करंट आ रही है, ठीक है, कुछ जा रही है, कुछ टुवार्ड्स द जंक्शन है, कुछ अवे फ्रॉम द जंक्शन है। जैसे I1 क्या है बच्चों, I1 टुवार्ड्स द जंक्शन है, जंक्शन की ओर जा रही है, ठीक है। बच्चों I3 के बारे में क्या ख्याल है आपका, आप बोलेंगे यार I3 जो है वो जंक्शन से दूर जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बच्चों, कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सी करंट आ रही है कौन सी जा रही है, यहाँ तो हमको दिख रहा है ना, यहाँ तो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, हम एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हम अपनी तरफ से बच्चों मान लेंगे, ठीक है, कि जो आ रही है उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, और जा रही है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। वो हम पे डिपेंड है बच्चों, हम चाहें तो आउटगोइंग कोई पॉजिटिव बोल दें, इनकमिंग को आउटगोइंग बोल दें, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेता हूँ मैं, है ना, मैं मान लेता हूँ कि यार अपने इस थ्योरी में अपना जो इनकमिंग करंट होगा ना, अपना जो इनकमिंग करंट होगा उसको मैं पॉजिटिव बोलूँगा, है ना, उसको मैं पॉजिटिव बोलूँगा, और जो अपना आउटगोइंग करंट होगा बच्चों, अपना आउटगोइंग करंट होगा, है ना, जो जा रहा होगा जंक्शन से दूर, उसको मैं नेगेटिव बोल दूंगा, है ना, नेगेटिव बोल दूंगा। तो अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और जो अपनी डेफिनेशन है किरचॉफ करंट लॉ की, इस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अगर फर्दर बात करता हूँ, तो मुझे क्या नया मिलेगा, क्या चीज़ें हम यहाँ से और बच्चों डेराइव कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो करंट किरचॉफ करंट लॉ में क्या बोला गया, किरचॉफ करंट लॉ में बोला गया कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो, राइट। तो देखते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, इट मींस व्हाट, ठीक है। देखो इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं इस बात को यहां लिखूं, है ना, मींस टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट रिलेटेड टू दिस जंक्शन इज जीरो, सो लेट मी ऐड ऑल द करंट हियर, फर्स्ट वन इज I1, सेकेंड वन इज I2, टोटल सम ऑफ ऑल द करंट, ठीक है, थर्ड इज I3, I4 एंड I5 इज जीरो। बच्चों यहाँ पे गलती हो गई है ना, आप देखो मैंने बोला इनकमिंग करंट को मैं बोल दूंगा प्लस, आउटगोइंग को मैं बोल दूंगा माइनस, ठीक है। तो इनकमिंग प्लस में होना चाहिए, ठीक है यार, प्लस में ही है, आउटगोइंग ये इनकमिंग I2 भी इनकमिंग है तो ये प्लस में ही होगा, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे I3 जो है ना वो एक आउटगोइंग करंट है, वो जंक्शन से दूर जा रहा है, तो समी लेना है, प्लस ही करूंगा मैं, बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको माइनस साइन से दिखाऊंगा, बिकॉज माइनस यहाँ पे बच्चों ये इंडिकेट करेगा कि जहां माइनस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो आ रहा है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जहां पे मैंने सीधा ऐड कर दिया है दैट मीन्स वो इनकमिंग है, मैंने उसको प्लस में कर दिया है, और जिसमें मैं माइनस साइन ले रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब वो क्या है, वो आउटगोइंग करंट है, और सबका मैं सम ले रहा हूँ, बिकॉज सबका हमको सम करना है, सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, फाइन, ओके। ये अपना I4 है, I4 दिख रहा होगा आपको, I4 टुवार्ड्स द जंक्शन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, प्लस में होना चाहिए, है ना, ओके। बच्चों फिर से आप I5 देखो यहाँ पे ना, I5 क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, दैट्स वाई ये भी बच्चों किस साइन में हम लेंगे, इसको यूज करेंगे माइनस में, तो इट शुड बी ऑल्सो नेगेटिव एंड वी हैव टू एड ऑल द करंट हियर, फाइन। तो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, देखो ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपके दिमाग में फेफड़े में बात बढ़िया से बैठ जानी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन इज जीरो, सो सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो। फर्दर बच्चों सॉल्व करता हूँ क्या मिलेगा, देखो, ठीक है, मैं बोल दूंगा कि यार अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा आई वन प्लस I2, देखो ये प्लस माइनस को मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया I3, ठीक है, प्लस I4, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस I5 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। बच्चों अब क्या करेंगे, आपको पता है कि मैं माइनस माइनस वाले को उस तरफ कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे कि I1 प्लस I2, ठीक है, ये माइनस में तो इधर उधर जाएगा, I4 बच गया यहाँ पे,
आई फोर, ठीक है, ओके। और बच्चों ये माइनस में जो है ना माइनस आई थ्री और माइनस आई फाइव, उसको मैं वहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा अपना क्या, आई थ्री आई फाइव, ठीक है, ओके। और बच्चों इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है, ये दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ देखो, ये है आई वन प्लस आई टू प्लस आई फोर, ये कौन से करंट है? आप ध्यान से जब फिगर को देखोगे ना तो आप बोलोगे कि यार ये जो करंट है ना ये टोटल इनकमिंग है, ये सारी आने वाली धारा है, सारी आने वाली धारा है जो इस जंक्शन पे आ रही है ना, तो ये टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट है। तो मैं इसको रिप्लेस करके लिख सकता हूँ यहाँ पे, टोटल नीचे दिख रहा होगा, इस उम्मीद और आशा के साथ मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। टोटल इनकमिंग करंट, और बच्चों ये I3 प्लस I5 क्या है ना, दो ही करंट यहाँ जा रही थी, I3 I और ये I5, तो ये टोटल आउटगोइंग हो गया है ना। लिख दूंगा मैं यहाँ पे टोटल आउटगोइंग, ठीक है। तो बच्चों ये अपना एक सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा किच ऑफ करंट रूल का, ठीक है, कि किसी संधि से, किसी जंक्शन से रिलेटेड जो टोटल इनकमिंग करंट होता है वो टोटल आउटगोइंग के इक्वल होता है। इसी बात को हम लोग बच्चों अब क्या कहते हैं, किच ऑफ करंट लॉ कहते हैं। तो आई होप बच्चों है ना आप लोग के टॉपिक, ये जो मैंने फर्स्ट लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं रेलवे स्टेशन का एग्जांपल ले रहा था, मैंने बताया ना आपको कि उसका अपना कुछ नहीं होता है, जो आता है वो चला जाता है। अगर 10 ट्रेन आएगी तो टाइम के बाद वो 10 ट्रेन चली भी जाएगी, है ना, जितना करंट आएगा उतना ही करंट बच्चों चला भी जाएगा, मतलब आने वाला अमाउंट जो होगा ना वो जाने वाले अमाउंट के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 आएगा और 8 चला जाएगा, दो वहां पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला बच्चों, है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि 10 आएगा 15 जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला, ठीक है। जितना आएगा ना बच्चों उतना ही चला जाएगा, है ना। टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी बात को बच्चों हम लोग कहते हैं व्हाट, किच ऑफ करंट लॉ, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने सेकेंड लॉ पे बात करेंगे, जो अपना सेकेंड लॉ है किच ऑफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ठीक है। तो क्या करें, इसको मिटा दिया जाए, ऑल राइट इसको इरेज करते हैं बच्चों, है ना, इसको आप लोग उतार लेंगे उम्मीद कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मिटाता हूँ, ऑल राइट। बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आए, ठीक है, नेक्स्ट लॉ पे आए किच ऑफ के। उससे पहले इससे रिलेटेड जो भी एक एडिशनल नॉलेज, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है उस पर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ बच्चों आप लोग कि है ना, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जितनी करंट इसके पास आ रही है उतनी ही जाएगी, है ना, यही समझाया मैंने, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग, ठीक है। जितनी करंट आएगी इस जंक्शन पे उतनी ही करंट चली भी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज किच ऑफ करंट रूल, ठीक है। तो बच्चों करंट का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे यार करंट का मतलब होता है सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ चार्ज, यू कैन से सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पे करंट I1 इस तरीके से मूव कर रही है, डैट मीन्स चार्ज बच्चों इस तरीके से मूव कर रहा होगा। अगर करंट इस जंक्शन के पास आ रही है तो चार्ज इस जंक्शन के पास आ रहा होगा। अगर करंट इस जंक्शन से दूर जा रही है, डैट मीन्स चार्ज आवेश इस जंक्शन से दूर जा रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर जैसे अभी आपने क्या देखा, टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग, अगर 10 एम्पियर की धारा जा रही है मतलब कुछ अमाउंट में चार्ज इस जंक्शन के पास आ रहा होगा, और उतनी ही करंट जा रही है मतलब उतने ही अमाउंट में चार्ज इस जंक्शन से दूर जा रहा होगा। दैट मीन्स क्या चार्ज इस जंक्शन पे परमानेंटली क्रिएट हुआ? नो, जितना चार्ज इसके पास आया उतना ही बच्चों चला भी गया, है ना, चला गया। दैट मीन्स चार्ज कैन Neither create nor destroy, you can say as, right? So बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, ठीक है, कि किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? अब आपने इस एक्सप्लेनेशन के बाद दिमाग लगा लिया होगा बच्चों, है ना, कि किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है ना वो बेस्ड होता है बच्चों कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे, है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, यू कैन से एज ऑल्सो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल बिहाइंड दिस लॉ, ठीक है, प्रिंसिपल बिहाइंड दिस लॉ, देन व्हाट कैन वी से है बच्चों, वी कैन से केसीएल, शॉर्ट में बच्चों लिख रहा हूँ केसीएल, बोले तो व्हाट, किच ऑफ करंट लॉ जंक्शन, इसको मैं केजीएल भी बोल सकता हूँ। किसी कार्टून को लग रहा हो यार ऐसा क्यों नहीं बोल रहे, तो अपना देख लेना जैसे अच्छा लगे बोल लो आप, ठीक है।
तो मैं बोल दूंगा ठीक है, KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ठीक है, किरचॉफ, ठीक है ना, KCL किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ठीक है, ओके. व्हाट इज द बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस KCL? मैं यहां पे बोल सकता हूं, अगर मैं ऐसे एक लाइन बना दूं एंड ये मैं डिनोट कर दूं कि यार ये अपना जंक्शन हो गया, है ना, ये अपना जंक्शन हो गया, तो मैं बोलूंगा कि जितना आएगा उतना जाएगा. अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है, जितना आएगा उतना जाएगा, ठीक है, तो आई मीन टू से देयर इज नो एनी अक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन, जितना आएगा उतना जाएगा. तो बच्चों ये जो बात होती है ना, इसी बात को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ. तो आई थिंक किरचॉफ करंट लॉ के आपके पास दो डेफिनेशन हो गए, है ना, टोटल जो विद्युत धारा का सम होता है, करंट का सम होता है इस जंक्शन से रिलेटेड, उसका जो सम होता है वो जीरो होता है, या इसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि संधि पे जो आने वाली कुल धारा होती है वो जाने वाली कुल धारा के मान के बराबर होता है, इसी को आप संधि का नियम, धारा का नियम, KCL कुछ भी कह सकते हो बच्चों, है ना, फाइन. तो इसको आप बच्चों उतार लो, है ना, मैं बोर्ड पर से हट जाता हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ किरचॉफ लॉ, दैट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट. सो लेट मी इरेज इट हियर. फिगर मिटा रहा हूँ बच्चों, है ना, बड़े प्यार से लिखा था मैंने, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है बच्चों. कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम हो, है ना, पढ़ने लिखने से रिलेटेड, तो आप बताओ, ठीक है. आप देख रहे हो कि अभी अपने कंट्री की जो हालत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना, अपना जो देश है, और नॉट इवन अपनी कंट्री बच्चों, मैं पूरे ब्रह्मांड की, पूरे मैं वर्ल्ड की बात कर लूँ, पूरे वर्ल्ड की हालत बच्चों ऑलमोस्ट अच्छी नहीं ही है, ठीक है. और कोई भी एजुकेटेड इंसान ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से अनभिज्ञ है, हर कोई जान रहा है कि अभी देश में क्या हालात है, ठीक है. तो बच्चों अभी बेटर यही होगा कि आप घर पे रहो, सेफ, है ना, एंड बढ़िया तरीके से बच्चों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखो, बिकॉज आप जानते हो, है ना, कि टाइम चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो तो कट ही जाएगा, है ना, वो चला जाएगा. आज जैसा टाइम है, जिस तरह के बच्चों अभी हालात हैं, ये सब दिन ऐसे मेंटेन तो रहने वाले हैं नहीं, है ना, कभी ना कभी ये बीत ही जाएगा. लेकिन बच्चों अगर आप सोचोगे कि यार क्लासेस बंद है, है ना, कोचिंग बंद है, मस्ती का टाइम चल रहा है, या जो भी आपका अपना थॉट हो, और जिस थॉट की वजह से अगर आप पढ़ाई नहीं करते होंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है. बिकॉज बताया ना मैंने अभी आपको कि टाइम किसी का वेट नहीं करता, है ना, इसलिए टाइम का पूरा बच्चों इस्तेमाल करो. जो समय बीत गया, आज जैसे आज तारीख कितनी हो गई, 27 अप्रैल है ना बच्चों, 27th अप्रैल, ठीक है. तो ये डेट जब चला जाएगा, तो 27th अप्रैल दोबारा आपके लाइफ में आएगा, बट 2021 नहीं आएगा बच्चों, ठीक है. तो इसका ख्याल रखने का है, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो. देखो आप लोग को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसके लिए ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल ने, ठीक है, हम सारे लोगों ने प्लान करके सोचा कि यार चलो बच्चों को ऑनलाइन वे में ही पढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आपने सुना होगा, तो कुछ ना कुछ तो बच्चों बेटर आपके साथ हो ही जाए, और कुछ ना कुछ क्यों, ठीक है. अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करोगे, ठीक है, इस चैनल को ठीक से प्यार दोगे, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन मिल सकता है आपको और ऑनलाइन ना मिले, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा, है ना, इवन मैं तो बताऊँ ज़्यादा ही मिल जाएगा, ठीक है. तो ध्यान से पढ़ने का है ना, और इन्जॉय करने का बच्चों, है ना, इन्जॉय करो, ठीक है, चलिए बढ़ते आगे. तो बच्चों अपना जो सेकेंड लॉ है उसको हम बोलेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ठीक है, तो वही है ना, देखते हैं क्या होता है. आई थिंक KCL आपको पूरा समझ में आ गया है, ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे सवाल, और जवाब नहीं करेगा तो मैं, जानते हो ना आप लोग, जान से मार दूंगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ने का है सबको. चलो बच्चों देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ. बच्चों मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे आऊँ, इससे रिलेटेड मैं आपके सामने बातें करूँ, उससे पहले मैं आपको आगाह कर दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉट इवन इलेक्ट्रिसिटी मैं बोलूँ, आपकी पूरी फिजिक्स का, पूरे क्लास 12th का जो सिलेबस है ना,
उसमें से वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में बच्चों इसको रखा जाता है, ठीक है, किरचॉफ लॉ को रखा जाता है। और किरचॉफ लॉ में बेसिकली इस पॉइंट को, इस वोल्टेज लॉ को रखा जाता है, ठीक है। आईआईटी जीमेंस का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी ऐसा साल नहीं गया बच्चों जिसमें इस टॉपिक से सवाल ना बना हो। सवाल हर एक साल बनता है, हर बार सवाल बनता है, और ख़ास बात ये होती है कि बच्चों से ये सवाल छूट भी जाता है ना, छूट जाता है, बच्चों को टफ लगता है, जल्दी समझ में नहीं आता है, ऐसा टॉपिक है। लेकिन हमारी कोशिश होगी, ठीक है, कि हम बढ़िया तरीके से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करें, ठीक है। तो मैं तो कर दूंगा, आप भी अपने तरीके से इसको तब कर पाओगे जब आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो तो टॉपिक क्या है बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, स्टार्ट करूँ या? देखो बच्चों ध्यान देना, देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे कि किरचॉफ का जो करंट लॉ था जो भी हमने ख़त्म किया तुरंत, ठीक है, वो वैलिड होता है, एप्लीकेबल होता है फॉर अ जंक्शन, है ना, फॉर अ जंक्शन, दैट्स वाई उस लॉ को हम लोग किरचॉफ जंक्शन रूल के नाम से भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे बच्चों जो अपना ये लॉ है ना, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ये वैलिड होता है एक क्लोज लूप टाइप सर्किट के लिए, है ना, इसलिए इस लॉ को हम लोग लूप लॉ के नाम से भी बच्चों बोलते हैं, है ना, बोलते हैं। तो बच्चों क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो काफ़ी कॉमन बात हो गई, इस पर हम ज़्यादा बॉदर नहीं होना हम लोग को। कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों याद रखना, मेरी एक यहाँ पे सजेशन होगी आप लोग के लिए, ठीक है, और होगा तो आप बढ़िया से सुनो और कहीं लिख लेना इस बात को, ठीक है, किताबों में ये बात लिखी नहीं रहती, इसलिए ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बच्चों किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में ना, जब भी हम इस लॉ की बात करते हैं या फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अपने सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, वो चैलेंज ये होता है कि हम लोग करंट की डायरेक्शन को बच्चों जज नहीं कर पाते, है ना, जज नहीं कर पाते। करंट में डायरेक्शन होता है बाय द वे, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी भी होता है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि करंट की डायरेक्शन को इसमें हम जज नहीं कर पाते, ठीक है, जज नहीं कर पाते। तो बच्चों यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जब अपने पास कोई सर्किट होता है और हम करंट की डायरेक्शन हमको पक्के तरीके से नहीं दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, इस रूल में बच्चों, इस लॉ के अंतर्गत करंट की डायरेक्शन पता तो नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने मन से कुछ भी, जो भी हमारा मन करे, हम करंट की कुछ डायरेक्शन को बच्चों यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन बच्चों करंट की आप जो भी डायरेक्शन मानो, ये मानने की आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन एक बार आज़ादी है, ठीक है, एक बार मानो, आपकी जो इच्छा मान लो, क्लॉक वाइज, वेदर एंटी क्लॉक वाइज, वट एवर यू कैन अज्यूम हियर, कुछ भी मान लो आप, लेकिन ओनली वन टाइम, एक बार बच्चों आपको मानना है ना, एक बार मानना है। अगर आपने एक बार कोई भी करंट की डायरेक्शन को बच्चों अज्यूम कर लिया, तो ख्याल रखना रास्ते में भले कंट्राडिक्शन हो जाए, चीजें आपके खिलाफ चली जाए, अगेंस्ट चली जाए, लेकिन आपको वो डायरेक्शन फिर छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपने क्लॉकवाइज मान लिया, आप सर्किट पे काम कर रहे हो, जब तक काम कर रहे हो चलो सही चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कंट्राडिक्शन हो गया तो आप वहां पे डायरेक्शन चेंज कर दोगे। जैसे आपने ये काम किया, आपका पूरा क्वेश्चन ही बच्चों वहां पे गलत हो जाएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, करंट की कोई भी अपने मन से, क्योंकि बच्चों किरचॉफ लॉ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे डायरेक्शन ही गिवन नहीं दिया रहेगा, डायरेक्शन आपको पता ही नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मन से एक कोई भी डायरेक्शन जो आप मानना चाहते हो आपको मान लेना है ना, मान लेना है। और बच्चों जो डायरेक्शन आप मानोगे ना, उसको क्वेश्चन, उस डायरेक्शन को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको रखना है, चाहे बीच में कंट्राडिक्शन क्यों ना हो जाए, ठीक है। ख्याल ये रखना है कि आप जो डायरेक्शन मानोगे, अगर काम चल रहा है तो चलाते रहो, बीच में अगर जैसे ही अपोज हो जाए, कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए, है ना, तो आपको उस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, वहां पे आप माइनस का साइन लो और आगे बढ़ जाओ, है ना, आगे बढ़ जाओ। ये जो बात है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से रिलेटेड, कि आप डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो अपने मन से, जो मानना है एक बार मानो, आपने जो डायरेक्शन एक बार मान लिया उसको आप रास्ते में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहीं कोई कंट्राडिक्शन लगे तो आप वहां पे नेगेटिव साइन लोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, ओके। तो ये बात का क्या यहाँ पे यूज होगा, कितनी ये बात कारगर होगी, है ना, ये जो बात मैंने अभी आपको बताया है, किस तरीके से इस बात को आप सवालों में अप्लाई कर पाओगे, देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फर्स्टली वी विल सी द स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सो लुक एट बोर्ड, ठीक है, ध्यान दो।
तो फर्स्ट वन मैं बात करूंगा इसके स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों इसका, है ना? स्टेटमेंट होता है टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट ऑफ गिवन क्लोज लूप सर्किट। मैं बच्चों सर्किट को ऐसे लिखता हूं, ठीक है? टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट ऑफ गिवन सर्किट गिवन क्लोज लूप सर्किट इज एज यू नो वंस अगेन जीरो। तो बच्चों ये जो बात होती है ना, इस लॉ को धारा के नियम में धारा का सम जीरो होता है, विभवांतर के नियम में विभवांतर का सम जीरो होता है, ठीक है? बट ये बात तो कहने के लिए बड़ी आसान है, बट देखो, ठीक है, समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल द गिवन एलिमेंट ऑफ सर्किट इज जीरो, राइट? तो बच्चों इस नियम को हम बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है? अब इस बात का बच्चों मतलब क्या है ना, क्या चीजें हैं ये, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है? ध्यान देना कि जो मैंने आपको बताया ना स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, ठीक है? ध्यान देना। देखो बच्चों, चलो एक सर्किट लेते हैं लॉ को समझने के लिए, है ना? मान लेता हूँ मेरे पास बच्चों एक सर्किट है, लेट सपोज मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? एक सर्किट बनाऊंगा बच्चों मैं यहाँ पे प्यारा सा, ठीक है, देखना आप लोग। ओके, वेट बच्चों वेट, मैं एक सर्किट बनाता हूँ अच्छा सा सुंदर सा, ताकि उस सर्किट की हेल्प से हम लोग अपने इस लॉ को समझ पाएँ, ठीक है? सो वेट फॉर अ वाइल। चलो बच्चों एक सर्किट मान लेता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा लग रहा हो, कैसा भी लग रहा हो यार, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, फिगर की क्वालिटी पे मत जाना, ठीक है? देखो सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, ये दे दिया मैंने बी। ए और बी के बीच में बच्चों कौन सा एलिमेंट है? एक रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, सपोज दैट दिस इज आर वन, रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है? आर वन है, ठीक है? यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ सी, और ये जो रेसिस्टेंस है दिस इज आर टू, है ना? ओके, और ऐसे यहाँ पे पॉइंट है डी, यहाँ पे है ई, और बच्चों ये है अपना एफ, है ना? एफ, ठीक है? तो आर वन आर टू, ये जो आपको सेल दिख रहा है ना, इसका ईएमएफ, ये ऊपर वाला प्लस टर्मिनल है, नीचे वाला माइनस, बेसिक है बच्चों, जानते होंगे आप लोग। तो इसका ईएमएफ मान लेता हूँ ई वन है, इसका जो ईएमएफ है, जो विद्युत वाहक बल है, लेट सपोज दैट इज ई वन, ठीक है? रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर इज आर थ्री, ऑलराइट, एंड ई एम एफ इज ई टू, एंड वंस अगेन आर वन आर टू आर थ्री, इसको क्या मान लो है? आर फोर मान लो, ठीक है? तो बच्चों इस फिगर की हेल्प से हम समझेंगे अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ में क्या बात बोली गई बच्चों? ये बात बोली गई कि जितने भी एलिमेंट किसी भी सर्किट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है ना, डैट सम इज जीरो, ठीक है? ये बातें बताई गई आपको किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अंतर्गत, ठीक है? तो हाउ कैन वी रीच ऑन रिजल्ट, है ना? कैसे मैं इस बात को समझ सकता हूँ, कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है? कैसे जो हमने सीखा है, जो हमारी नॉलेज है, उसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज द थिंग विच मैटर्स अ लॉट, ठीक है? तो देखो, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, देखना। अभी मैंने आपको बताया ना कि इस लॉ का जो सबसे यू कैन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, सबसे जो कंफ्यूजिंग एंड परप्लेक्सिंग पॉइंट होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? विच इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन, ठीक है? तो क्या करना होगा आपको? यू हैव टू अज्यूम एनी ऑफ द डायरेक्शन, एंड दिस इज कंप्लीटली आर्बिट्रेरी, यू नो दैट, ओके? सो यू हैव टू अज्यूम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है?
हाउ कैन वी अज्यूम हियर, आपको क्या करना है बच्चों, एक यहाँ पे अपना एक डायरेक्शन मान लो, एक डायरेक्शन आप अपने मन से अज्यूम कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, भूल गए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, दोबारा सुन लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे अपने मन से एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज जब मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, है ना, और मैं मान लेता हूँ कि यार दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मैं यहाँ पे डायरेक्शन ले रहा हूँ क्लॉक वाइज, है ना, क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज। मैं चाहूँ तो बच्चों एंटी क्लॉक भी ले सकता हूँ, मैंने बोला ना एक बार लेना है, और जो ले लेंगे फिर उसको रास्ते में चेंज नहीं करेंगे, भले कंट्राडिक्शन हो जाए, ख्याल रखना इस बात का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करिया, मैंने यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन को अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इस डायरेक्शन को अज्यूम करने से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है उसको देखो, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अगर मैं ए से शुरुआत मानूँ तो मैं बोलूँगा यार करंट जो है आई, वो ए से स्टार्ट होकर के इस रेसिस्टर से होता हुआ बी पॉइंट तक जाएगा। बच्चों ये अपना बेसिक आइडिया है कि करंट का जो फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर होता है, आप जानते हो ना, ये नॉर्मल सा पॉइंट है। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा कि हीट का जो फ्लो होता है वो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी होता है, सो दिस इज वेरी बेसिक आइडिया, यू नो दैट, राइट। तो करंट का जो बच्चों फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की ओर होता है, और अगर मैं क्लॉक वाइज इसको मान रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये हाई पोटेंशियल पर रहा होगा, ये लो पोटेंशियल पर रहा होगा, राइट। तो इस बात के बेसिस पर मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बच्चों, ध्यान देना, ठीक है, समझना आप लोग, ठीक है। क्या क्या मैंने यहाँ पे, अज्यूमिंग क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। बच्चों डेफिनेशन थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको, ध्यान देना, फाइन। तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसका मतलब ये हाई पे रहा होगा, ये लो पे रहा होगा, लो पोटेंशियल पे, तभी तो करंट उधर जाएगी, नहीं तो इधर नहीं आ जाती। तो पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई में से लो को मैं माइनस कर दूंगा, तो मैं बोल दूंगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज द यू नो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो अगर मैं ओम्स लॉ से इसको फर्दर लिखो तो मैं बोल सकता हूँ वी ए माइनस वी बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है यार, पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई आर के इक्वल होता है भाई, ठीक है। आई कितना है यहाँ पे, आई है करंट है आई, राइट, और रेसिस्टेंस कितना है भाई, वो है आर वन, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया फोर ए टू, फ्रॉम ए टू बी आप ऐसे ले लो, है ना, फ्रॉम ए टू बी, ओके। बच्चों जब यही करंट आगे बी पे पहुंचेगा तो फिर बी से आगे सी की ओर जाएगा, उस टाइम पे ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो इस टाइम पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं देन मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू, यही वाली करंट है सीरीज ऑर्डर में पास हो जाएगी आगे, है ना, तो आई, और अब की बारी जो बच्चों रेसिस्टेंस होगा वो ये हो जाएगा आर टू, है ना, तो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे आर टू, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम, ठीक है, बी टू सी, ओके फाइन। अब बच्चों मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, है ना, अब करंट जो है सी से डी में जाएगी, तो बच्चों यहाँ पे आपको समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं करंट लिख देता हूँ, आगे जाएगी तो सी होगा हाई पे, डी होगा लो पे, तो मैं बोल दूंगा यार यहाँ पे वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू। बच्चों इस वाले पार्ट में ना कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, वो अलग बात है कि सेल का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, वो आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप रहने दो। तो VC माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस एलिमेंट, राइट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे है एक सेल है ना, और ऊपर है बच्चों प्लस नीचे है माइनस, इसका मतलब ये सेल ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर होना चाहिए हाई पोटेंशियल, नीचे होना चाहिए लो पोटेंशियल। बच्चों बात तो सही है, ऊपर हाई है नीचे लो है ना, ऊपर वाला प्लस है, ये वाला प्लस टर्मिनल से कनेक्ट है। आप बोलोगे यार सर जी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए प्लस से स्टार्ट होते, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है आपको, है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ पे इसको कहने का बच्चों मतलब ये हो जाएगा कि ये आपका प्लस टर्मिनल है एंड दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, तो दिस इज एट हाई पोटेंशियल, आपको ऐसे लेना है यहाँ पे, है ना,
एंड ये जो अपना डी पॉइंट है दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, दैट्स वाई ये लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। और यही थ्रू आउट बच्चों इस पूरे सर्किट की कहानी भी है कि हमने जो डायरेक्शन को अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग भी ये हाई पर है ये लो पर है, मतलब यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। ये सेल भी बोल रहा है कि ये हाई पे होना चाहिए और ये लो पे होना चाहिए, और हमारा जो खुद का माना हुआ डायरेक्शन है उसके आधार पर भी ये हाई पे ये लो पे, तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या दिक्कत है। बी सी माइनस बी डी यहाँ पे करंट नहीं है बच्चों, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा इक्विवेलेंट टू ई एम एफ, ठीक है, फ्रॉम क्या सी टू डी। देखो जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा और जिसको ई एम एफ वगैरह नहीं पता, जिसने ई एम एफ नहीं पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल नहीं पढ़ा, हो सकता है कि उसको इस वीडियो को देखने में 5 से 6% का कष्ट हो रहा होगा। मैंने क्या बोला 5 से 6% का कष्ट हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है, होगा तो मैं अगली क्लास में वही टॉपिक लूँगा, ठीक है। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने कहा कि इसी से स्टार्ट करते हैं ना, तो होगा तो मैं उसको स्टार्ट करूँगा बच्चों सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आज अपना, चूँकि पहला क्लास है ज्ञान टॉपर्स के प्लेटफॉर्म पर है ना, तो जैसे ही एक बार हम लोग सिस्टमैटिक हो जाते हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक वे में, है ना, और फिर वही day 1, day 2, day 3 जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं सिस्टमैटिकली टॉपिक को कनेक्ट करते हुए, है ना, वैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो वैसे सिंपल सा पॉइंट है इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया ताकि हम एक बढ़िया टॉपिक पर डिस्कस करें, क्या छोटा सा टॉपिक ले, है ना। अगर किसी को नहीं आता बाय द वे ईएमएफ तो 5 से 6% का कष्ट होगा, वो सुनो बढ़िया से मेरी एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी समझ जाओ, कोई डाउट नहीं है, है ना, ओके। तो बी सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ई वन बिकॉज यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं था बच्चों, अगर कंट्राडिक्शन होता ना तो यहाँ पे माइनस ले लेते जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों हम बी सी से बी डी तक आ चुके हैं, अब बी डी से मैं चलूंगा ई पर, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा क्या बी डी माइनस बी ई शुड बी इक्वल टू आई आर थ्री, राइट। रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है आर थ्री है, तो मैं बोल दूंगा फ्रॉम वेयर टू वेयर डी टू ई। इसी प्रकार बच्चों मैं चलूंगा ई से एफ, अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है। बी ई माइनस बी एफ इज इक्वल टू, कोई रेसिस्टर नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पे काम किया था वैसे ही करूँगा बच्चों। अब ये एलिमेंट बोल रहा है कि इसमें माइनस टर्मिनल उस तरफ है, मतलब ये सेल ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि यार ये वाला साइड होना चाहिए नेगेटिव पे, मतलब लो पोटेंशियल पे, और ये वाला साइड होना चाहिए पॉजिटिव पे, मतलब हाई पोटेंशियल पे। बट अकॉर्डिंग टू आवर अज्यूम्पशन अगर करंट ऐसे आ रही है तो ये हाई पे होना चाहिए, ये लो पे होना चाहिए, और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट बता रहा है कि ये लो पे होना चाहिए हाई पे होना चाहिए, मतलब जस्ट अपोजिट रिजल्ट दे रहा है, मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया बच्चों, हो गया ना। हमारे करंट के डायरेक्शन के अनुसार करंट ऐसे आ रही है, मतलब ये हाई पर ये लो पर, और इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग उल्टा जो हाई पर है वो कह रहा है ये एलिमेंट कह रहा है कि ये लो पर, मतलब कंट्राडिक्शन हो गया। तो क्या हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैंने बोला जहाँ भी कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना वहाँ पे आप नेगेटिव सेल लो, आगे बढ़ो, तो मैं वही करूँगा, है ना। मैं लिख दूंगा यहाँ पे ई एम एफ ऑफ सेकेंड सेल इज ई टू, एंड नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, ओके। फ्रॉम वेयर टू वेयर ई टू एफ, ई टू एफ, राइट। अब बच्चों एफ से मैं आता हूँ ए पर, तो करंट की डायरेक्शन एफ से ए पर, डैट मीन्स वट वी एफ माइनस वी ए नीचे आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या एवरीथिंग इज ओके हियर। बी एफ माइनस बी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों रेसिस्टर है सो आई आर फोर, एंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ एफ टू ए। बच्चों आपको दिख रहा है कि करंट का एक राउंड इसमें पूरा हो गया, हम फिर से ए पे आ चुके हैं तो वो हम पहले ले चुके हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप ऐड कर दो, है ना, इसको आप ऐड कर दो, ऐड कर दो, मुझे थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐड कर दो। व्हेन वी ऐड ऑल दिस क्वांटिटीज व्हाट वी गेट हियर, ठीक है। देखो बच्चों जब मैं ऐड करूंगा इसको तो आप देख रहे हो कि ये बी बी प्लस में, ये माइनस में है, सो दिस शुड बी कैंसल आउट, राइट। ये बी सी माइनस में, ये बी सी प्लस में, कैंसिल। इसी प्रकार बच्चों में क्या कर दूंगा, ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, एंड ये बी ए बच्चों माइनस में, ये प्लस में, तो ये भी कैंसिल होना चाहिए। That means सारा का सारा बच्चों यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, That means आपको टोटल सम क्या मिलेगा, जीरो, जीरो। और ये मैंने बोला था टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट ऑफ गिवन सर्किट इज जीरो, दिस इज नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट। तो
आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, है ना? ओके, इस साइड बच्चों ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू। यार लिखने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, अभी देख लो आप लोग, ठीक है करेंगे, बढ़िया करेंगे हम लोग भी, ठीक है। ई वन, ठीक है, एंड ये क्या हो गया आई आर थ्री, ये तो माइनस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है माइनस ई टू, ठीक है दिख रहा होगा यार आप लोगों को, ठीक है माइनस ई टू थोड़ा छोटा हो गया होगा, कोई बात नहीं आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, प्लस आई, आंखें थोड़ी बड़ी करके देखें ना ऐसे, बड़ा बड़ा बड़ी आंखें कर लो, बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ओके। अब क्या करोगे बच्चों, आई आर वाले पार्ट को, टर्म को एक तरफ और ई एम एफ वाले पार्ट को मैं एक तरफ कर देता हूँ। सो इसको मैं डिस्पोज सकता हूँ, और आई आर वन प्लस थोड़ा सा इधर लेते हैं ना, इधर लेते हैं बढ़िया आएगा, ठीक है इधर लेते हैं, ठीक है बच्चों इसका जो फर्दर पार्ट है ना मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ तो आप देख लेना, और वन सेकेंड यार, ठीक है मैं बोल दूंगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर इज इक्वल टू, ठीक है ई टू माइनस वाला उधर प्लस में, इधर प्लस में आएगा और ई वन माइनस में आएगा, तो मैं बोल दूंगा ई टू माइनस ई वन। बच्चों सम ऑफ करंट है तो वी कैन से दिस इज आई आर सिग्मा आई फ्रॉम वन टू आई फ्रॉम वट एवर मैं एन तक, यहाँ पे चार ही है ना एन, हाँ यहाँ आई यहाँ लगा दूंगा फ्रॉम, ठीक है आई बराबर कहाँ था, चार है ना, चार तक ले लिया, ठीक है इज इक्वल टू सिग्मा वन से लेकर के सिग्मा यू नो दैट। बट ये माइनस डायरेक्शन के लिए आया था सो यू हैव नॉट टू बॉदर योर सेल्फ, ठीक है ओके। सो क्या देखा बच्चों आपने, ठीक है टोटल सम ऑफ टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ, और इसी वोल्टेज लॉ को बच्चों हम सेकेंड टर्म में बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस, इनका जो सम होता है वो हमको ईएमएफ की वैल्यू देता है, इसको हम सेकेंड वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो बच्चों चलो ठीक है ना, बहुत पढ़ा आज हमने, इनफ है आज के लिए, इतना ही रहने दो, ठीक है इस टॉपिक को आप पढ़ो बढ़िया से ध्यान से, ठीक है कॉन्सेप्ट थोड़ा किरचॉफ लॉ में ज़्यादा था, तो अगर आपको लगता है कि एक बार में आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आया तो यू नो दैट आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एंड जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है ऑनलाइन पढ़ने का वो ये होता है, ठीक है कि जो टॉपिक जो पॉइंट आपको सही से समझ में नहीं आया आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो एंड देख लो, ठीक है। तो इस वीडियो हालांकि बच्चों आप एक बार ध्यान सुनोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसको देखिए आप लोग, है ना इन्जॉय कीजिए, एंड जो भी आपने सीखा है कॉपी बनाइए नोट बनाइए, ठीक है और कोई अगर डाउट रह जाता है कमेंट में बताओ, ठीक है वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है कमेंट में बताओ, ठीक है मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे आगे, थैंक यू सो मच, ठीक है ओके।